भक्तों जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और माताओं व बंधुओं, आज कार्तिक मास की चतुर्थ दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म की कथा का चौथा अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक मास महात्म की अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु को सदा प्रिय है। इस मास में भगवान के नियमित जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह में कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण सर से नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक मास में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस महीने में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र आदि के दान को देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ निश्चय यानी कि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण कर ले और इस माह में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले, वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में कथा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीप दान करें या दूसरों के जलते हुए दीपक की रक्षा करें, तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें। इससे भगवान का स्वरूप और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगो युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं और उदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना कर स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलमशों को धो डालता है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत, नियम और दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। बंधु, ऐसा हम रोजाना गंगा जी जाकर तो नहीं कर पाते, पर घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल डाले और फिर पानी भरे, उसके बाद हर हर गंगे तीन बार बोलते हुए गंगा जी का ध्यान करते हुए यदि आप स्नान करेंगे तो आपको घर में रहते हुए ही गंगा स्नान के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। देवी पक्ष अथवा आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संघर्ष या अनजाने में ही कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं देखनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम है, जब दो घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं, तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों, विष्णु, शिव आदि देवताओं का स्मरण करें।
फिर नाभिप्रिय जल में खड़े होकर स्नान करें। कार्तिक मास महात्म की कथा का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, भगवान श्री विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजनी के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख दिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उस कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंख सुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर पत्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि वह महर्षि को बुलाकर आज्ञा ली, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। इसे जो जो भाव जिस जिस ऋषि को मिले वह उसी का हो गया। उस भाव के उसी दिन से वही ऋषि कहलाए सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और वह सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग और भगवान श्री विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। श्री लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यश का भाव भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला है, मुक्ति और भक्ति को प्रदान देने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा ही देह है। जैसा आप लोगों ने कहा, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यह निवास करूंगा। यहाँ पर किया गया जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए गए पाप ब्रह्म हत्या आदि भी इसमें स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुने। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवता गण भी अपने ऐश्वर्य को वही छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज वह बद्रिका आश्रम जाने वह स्नान करने के स्वार्थ फल को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।